अस्सलाम वालेकुम ग्लोइंग विद समय में आप लोग को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बहुत दिनों से इस चीज़ का रिव्यू लाने वाली थी, 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये इतना अच्छा अच्छा मैंने आपको वो बताया था कि मैं क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं हाफ बोतल हो चुकी है इसकी, आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इतना इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और केयर वालों का है ये, केयर एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको हम भूल चुके हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इनके रिज़ल्ट प्रोडक्ट के बहुत अच्छे हैं, जितनी महंगी क्लिनजिंग के रिज़ल्ट हैं मुझे लगता है ये उस पर उतर सकती है। इसलिए मैंने पॉन्ड्स के बाद इसको यूज़ किया और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत बहुत पसंद आया। बस ये है कि ये थोड़ी लिक्विड है और इसके रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छे हैं और इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, 2 पंप तो फिर आपके जाके अच्छी क्लिनजिंग होती है। बस ये है बहुत बहुत अच्छी, आपकी डीप क्लिनजिंग कर देती है और एक्नी वाले कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन सब के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और मैंने एलोवेरा फ्लेवर में मंगवाया था और ये मेकअप भी अच्छी तरीके से रिमूव कर देती होगी, इसलिए अभी तक मैंने मेकअप एक ही दफ़ा यूज़ किया है। फिर भी आप मेकअप के लिए जितना भी मैंने ईद में से रिमूव किया था, मतलब अच्छा रिमूव किया था मेकअप, फिर भी ये है कि आपको उसके साथ साथ आपको फेस वॉश भी करना पड़ेगा और आपके इसके साथ साथ मेकअप रिमूवर जो आता है वो भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको अच्छे से अच्छा मेकअप रिमूव करना है ना स्किन से तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डीपली मेकअप रिमूव हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा। हल्का फुल्का तो ये कर देगा, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेकअप रिमूव करने के लिए। सही है, और ये बहुत बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूँ ये ना एक्नी निकालता है और ये आपके स्किन को इतना सॉफ्ट और इतना ग्लोई बना देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके सन टैन को भी सबसे पहले ख़त्म करता है ये, और इसमें लिखा है कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा करें, मैं तो एक दिन छोड़ के करती हूँ उसको, इतना मुझे पसंद आने लग गया था और थोड़ा सा तो मैंने इसको बचा दिया। अभी मैंने कुछ दिन से यूज़ करना छोड़ दिया है कि मैं इतनी दीवानी हो गई थी, रोज़ के रोज़ यूज़ कर रही थी, मैंने कहा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा आराम आराम से यूज़ करते हैं। और ये बहुत अच्छी खुशबू है इसके और मुझे बहुत पसंद आया। और ये 300 का मुझे मिला था, पता नहीं प्राइस बढ़ गई हूँ, इससे प्राइसेस बढ़ती रहती हैं और हमें अपने ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी क्लिनजिंग है, क्लिनजिंग मिलके आपको ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए एक दफ़ा, और आप यूज़ करें तो नीचे आके ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये 15 ईयर्स से जो 15 साल की लड़की हो जाती है उनको ये यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए कि क्लिनजिंग मिल के बहुत फ़ायदे हैं। देखिए आप मिल्क हैं इसके अंदर और दूध आपकी स्किन को डीप क्लिनजिंग करता है, आपकी स्किन को बेबी जैसा बना देता है। फिर एलोवेरा जेल है वो आपकी स्किन को जितनी भी आपकी रूखापन होता है, जितना भी आपके स्पॉट्स होते हैं उसको कम करता है। आप देखिए इसमें दोनों चीज़ें इतनी अच्छी मिली हुई हैं कि आपको आप अपनी स्किन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना तो आप उनको देख के इस्तेमाल करेंगे ना आपकी स्किन के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। आप इंग्रेडिएंट्स देखते नहीं हैं, चीज़ लेके इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें इतनी महंगी महंगी होती हैं उनमें इंग्रेडिएंट बिल्कुल आम होते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये तो बिल्कुल आम इंग्रेडिएंट है जो हमें कम प्राइस पर भी मिल सकते हैं। तो आप कम प्राइस की भी चीज़ें यूज़ करके देखें, उससे भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। जितना अच्छा महंगी कंपनी की चीज़ होगा उतना अच्छा इन चीज़ों का भी होगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, मैं पहले वो हो रही थी कि मैं इसको मंगवाऊँ नहीं मंगवाऊँ, मैंने फिर यूज़ किया तो ये बहुत 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 अच्छी है। इसके साथ मैं नहीं फेशियल करती हूँ, ये क्लिनजिंग हो जाती है, स्क्रब हो जाता है और मैं मास्क बना लेती हूँ घर का ही, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। अब तो वीडियोज़ आती रहेंगी इसलिए कि पेपर ख़त्म हो गया, मेरे पेपर्स हो रहे थे इसलिए। और मैं आपको बता दूँ इससे एक्नी नहीं होती, सही है, आपकी एक्नी है वो नहीं होगी, उस जगह ट्रीट कर देगा, सही है। और अभी तो मुझे तो इससे बिल्कुल भी एक्नी नहीं हुई, अब किसी को एक्नी हो जाए तो अब इसकी स्किन के ऊपर ये सूट ना करे तो वो एक अलग बात है। मेरी स्किन पे तो बहुत बहुत अच्छा से सूट किया और मुझे ये बहुत तक पसंद आया है। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी भी एक्नी को ये ख़त्म करेगा और आपकी एक्नी को निकलने नहीं देगा। इसलिए कि जब एक्नी को ये डीप क्लिनजिंग कर देगा आपके फेस पे, तो जब आपकी जितनी भी गंदगी होगी तो आपकी एक्नी निकलेगी नहीं, आपको ऑयल नहीं निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीबम नहीं निकलेगा, सही है। और मैं बार बार बोलती हूँ किसी की स्किन पे सूट करता है और किसी की स्किन पे सूट नहीं करता, तो नीचे आके ये ना बोले कि हमारी स्किन पे ये सूट नहीं किया। हाँ हो सकता है आपकी स्किन पे सूट ना करें, आप 1-2 दफ़ा यूज़ करें, आप देखें एक हफ्ते तक आपको ये यूज़ करते हैं ना 2-3 दफ़ा तो आपको कुछ दाने निकलते हैं या कुछ एक्नी निकलती है, तो आप इसको छोड़ दें। आपको 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आते हैं कि कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा, स्किन रेड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको यूज़ करने लग जाएं, सही है। 2 हफ्ते तक आप इस प्रोडक्ट को, कोई सी भी प्रोडक्ट को देखें, यूज़ करें, आपको कोई भी दाने या आपको कोई भी एलर्जी हो जाती है तो आप फ़ौरन उसी वक्त उसको छोड़ दें। ये नहीं सोचें कि हमने इतना पैसा लगा दिया हमारी चीज़ वेस्ट हो जाएगी, आप किसी को ये दे दें, अपनी बहन को दे दें या किसी को भी दे दें, वो यूज़ कर लेगा, वेस्ट नहीं होगा। मैं तो ऐसी करती हूँ, मैं बिल्कुल चीज़ को छोड़ देती हूँ जब मुझे लगता है भाई ये चीज़ अब मेरे फेस पर सूट नहीं कर रही, तो उसको छोड़ देना चाहिए, सही है। इससे कि अभी गर्मी बहुत चल रही है तो शायद क्लिनजिंग मिल्क हमारी स्किन पे इतना सूट नहीं करे, और अभी मैंने भी छोड़ा हुआ इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा चली है, हफ्ते में 1 दफ़ा कर ले क्लिनजिंग मिल्क, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी होती है ना इसलिए बोलूँ, सही है। और
आप लोग ज़रूर ज़रूर इसको यूज़ करें, बहुत बहुत अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके रिज़ल्ट 100 out of 100 है, मुझे तो बिल्कुल मिले। अब किसी को मिले ना मिले हो तो वो अलग बात है, मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत मिले हैं। स्किन को बहुत हद तक क्लियर कर देती है, इसके डार्क स्पॉट्स ख़त्म कर देती है। भाई ये कि थोड़ी पतली है, इनको थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहिए था, 2-3 पम्प यूज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपका फेस अच्छी तरीके से क्लिनजिंग होता है। बस इसमें ये मुझे लगी खुशबू भी बहुत कम, इसलिए मुझे खुशबू वाली चीज़ें ना बिल्कुल नहीं सेट सूट करती, उससे मुझे रेडनेस होने लगती है, बहुत सेंसिटिव स्किन है। मुझे आपको पता है ना मेरी एक्नी भी है, पता है मेरी एक्नी भी है, सेंसिटिव स्किन भी है, तो मैं तो पता है बहुत ध्यान से चीज़ें यूज़ करती हूँ, एक एक इंग्रेडिएंट देख के यूज़ करती हूँ कि ये चीज़ मेरी स्किन पर सूट करेगा नहीं करेगा। इसलिए इसमें मिल्क था, एलोवेरा था, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये कोई 5-6 साल क्लिनजिंग मिल्क लिया है, 5-6 साल बाद। पहले मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती थी, फिर मैंने पॉन्ड्स छोड़ दिया था, मैं क्लिनजिंग मिल्क नहीं यूज़ करती थी। वो जो आम क्लिनजिंग आती है वो मैं यूज़ कर लेती थी, फेशियल के साथ जो मिलती थी वही कर लेती थी। पर क्लिनजिंग मिल्क का बहुत अच्छा रोल है, क्लिनजिंग मिल्क बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। आप रिसर्च करें क्लिनजिंग मिल्क हमारी स्किन के लिए कितनी ज़रूरी है। इसे क्लिनजिंग मिल्क हमारे डीप जाके जो हमारी डेड स्किन होती है ना उसको मेल्ट करती है, बहुत ज़रूरी है। क्लिनजिंग मिल्क हो गया, ऑयल क्लिनजिंग हो गई, ये सब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। कि बाहर वाले लोग जो हैं यही चीज़ें यूज़ करते हैं, इसीलिए उनकी ग्लास स्किन हो जाती है, जो हम उनके फ़ैन होते हैं। हम भी करें तो हमारी भी हो सकती है, इतना कोई मसला नहीं है, हम चीज़ें यूज़ नहीं करते। और हमारे साथ ये है कि हम बहुत शौक़ से यूज़ करते हैं, हमारी फेवरेट हो जाती है, फिर एकदम से हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, फिर एक दिन यूज़ करने लगते हैं। मैं भी ऐसी हूँ, अब मैं एक दिन यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसको बिल्कुल 2 महीने बहुत यूज़ किया, मैं एक एक दिन यूज़ कर रही हूँ। हम लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी, कि हमसे होता नहीं है, स्किन केयर होती नहीं। अभी इतनी गर्मी चल रही है, रात में हम मुंह धो के भी नहीं सोते, और रात में मैंने आपको बोला है प्लीज़ अपनी स्किन को धो के सोया करें फेस वॉश से, और मॉइस्चराइज़र लगा के सोया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप अपनी स्किन को अच्छा चाहते हैं, सही है, और प्लीज़ अपनी स्किन का ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इससे गर्मी बहुत बहुत हद तक हो रही है, सही है। और नीचे आके ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, और आपने यूज़ की हो तो मेरे साथ ज़रूर इसके रिव्यू शेयर कीजिएगा। मैंने ये दराज से ऑर्डर की थी, वहाँ तो इसके रिव्यूज़ बहुत बहुत अच्छे थे, सबको बहुत अच्छी सूट करी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। अब मैं इसके साथ एक स्क्रब यूज़ करती हूँ, और इसके साथ एक मास्क यूज़ करती हूँ, उसका भी रिव्यू लाऊँगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं बहुत रीज़नेबल चीज़ें लाती हूँ कि आप लोग आराम से परचेज़ कर सकें, नहीं तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी हैं जिनका मैं रिव्यू दे सकती हूँ, मैं नहीं, मैं खुद भी उससे दूर रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अफोर्डेबल चीज़ों की तरफ जाएँ, हम खुद भी यूज़ करें और आप लोग भी यूज़ करें, सही है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। नॉन सब्सक्राइबर वीडियोज़ को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।